जय हिंद टू एवरीवन। आप सभी लोगों से इस वीडियो में कहूँगा कि सभी लोग कमेंट में एक बार ज़रूर जय हिंद लेकर के जाएं, क्योंकि ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए है और ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिनके सपने हैं एनडीए का पेपर जो है वो क्रैक करना और उसमें खुद को जो अपने सपने हैं ना उन सपनों को पूरा करने के लिए भेजना, अपने माँ बाप के जो सपने हैं उन सपनों को पूरा करने के लिए भेजना, जो देश के लिए आप लोगों ने सोचा है वो सपने पूरे करना। हाँ, उसी के लिए हम लोग चाहते हैं कि आप लोग तैयारी करें एक नेक्स्ट लेवल की। उसी के लिए हम लोगों ने सोचा है कि आप लोग तैयारी करें विदाउट टाइम वेस्टिंग, जहाँ आपका टाइम वेस्ट ना हो, जहाँ आप टारगेटेड पढ़ें, जहाँ आप चीज़ों को समझें, चीज़ों को समझ करके उन्हें एनालाइज करें, उन्हें टेस्ट करें और आगे बढ़ें। बहुत सारे लोग क्या होता है कि एनडीए जैसा एक एग्ज़ाम जिसमें टाइम वेस्टेज तो आप समझ लीजिए मूर्खता है, टाइम वेस्ट तो आप कर ही नहीं सकते कि आपने कोई दूसरी बुक खरीद ली फिर उसके बाद आप सोच रहे हैं यार ये बुक तो वर्थ इट नहीं थी, अब मुझे दूसरी बुक खरीदना पैसे फिर भी छोटी चीज़ हो गई। 200-300 रुपये की 400 रुपये की बुक खरीदना इज़ नॉट द बिग थिंग, द बिग थिंग इज़ कि आपने जो गलत बुक खरीदी उससे जो आपका टाइम वेस्ट हुआ, दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जो आप नहीं कर सकते थे, जो आप नहीं अफोर्ड कर सकते, टाइम की वेस्टेज नहीं कर सकते आप अफोर्ड, ये इंपॉर्टेंट बात मैं यहाँ पर आप लोगों को बताऊंगा। और जो किताबें मैं आप लोगों को बता रहा हूँ उन किताबों को आप लोग सटीक तरीके से अपनाएं और यूज़ करें। सबसे पहले बात करते हैं बोर्ड्स के लिए, तो बोर्ड्स के लिए मैं आप सभी लोगों को सिंपली कहूँगा सबसे पहले तो आपकी एनसीईआरटी रहती है, उसके बाद प्रदीप केमिस्ट्री के लिए भी प्रदीप, और फिर ऑल इन वन आप लोगों के लिए यहाँ पर रहेगी मैथ्स के लिए। तो यहाँ पर सबसे पहले पीसीएम की बात कर लेते हैं। सो बोर्ड्स के लिए सबसे पहले काम एनसीईआरटी, फिर उसके बाद प्रदीप, चाहे फिजिक्स की बात करें, चाहे केमिस्ट्री की बात करें, चाहे मैथ्स की बात करें, पहले एनसीईआरटी, आफ्टर दैट ये सारी बुक्स। इन सारी बुक्स की जो कैपेबिलिटी और जो मैं कहूँगा कि अच्छी बात जो है वो ये है कि ये बेसिक्स लेवल से, फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पर अंडरस्टैंडिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अगर अंडरस्टैंडिंग नहीं बनेगी यानी कॉन्सेप्ट नहीं बना, और कॉन्सेप्ट नहीं बना तो बड़े सवाल भूल जाओ कि हो पाएंगे तुमसे। तो वहां पर लेवल वन से आगे बढ़ाना इनकी जिम्मेदारी रहेगी इन किताबों की। अब बात करते हैं आगे की और बात करते हैं एनडीए प्रॉपर की। प्रॉपर जब आप एनडीए के लिए, क्योंकि जब आप ये बेसिक लेवल क्रॉस कर चुके होंगे तो आप लोगों को, क्योंकि आपकी स्पीड अप होनी चाहिए, आप क्वेश्चंस वैसे करें जो एनडीए में आएंगे, क्योंकि कभी भी किसी भी लड़ाई की तैयारी सिर्फ तभी की जा सकती है जब उस लड़ाई में लड़े जाने वाले जो योद्धा हैं वो उस तरीके की लड़ाई को लड़ते हों। कहने का मतलब यह है कि अगर आपको सीबीएसई में टॉप करना है तो सीबीएसई वाले सवाल करो, अगर आपको एनडीए में टॉप करना है तो एनडीए वाले सवाल करो, वो हम यहां पर आप लोगों को बताएंगे। भाई देखिए, पाथफाइंडर मैथ्स के लिए लीजिएगा आप लोग, और दिशा पब्लिकेशन की जो इंग्लिश जनरल नॉलेज है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए आप लोगों के लिए यहां पर रहेगी, और एनडीए की जनरल नॉलेज, देखिए जनरल नॉलेज आप यहां से भी पिक कर सकते हैं, यहां से भी पिक कर सकते हैं, नथिंग वरी अबाउट इट। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, सिंपली काम करें, देखिए जैसे आप लोग इंग्लिश की बात करेंगे, जनरल नॉलेज की बात करेंगे और साइंस की बात करेंगे, दिशा पब्लिकेशन की किताब खरीद लीजिएगा, और मैथ्स के लिए आप लोग अरिहंत की पाथ फाइंडर खरीद लीजिएगा। अदरवाइज ये जो चीज़ें, ये जो किताबें हैं, जो यहाँ पर जो मैंने किताबें बताएंगी, ये किताबें आप लोगों के बोर्ड लेवल से ऊपर चली जाएंगी थोड़ा सा। तो बोर्ड लेवल से ऊपर जाने का मतलब ये है कि आप बोर्ड्स वालों में तो टॉप कर ही लेंगे, क्योंकि हमारा मेन मकसद ये है कि आप जहाँ कहीं पर भी जाएं आपको टॉपर बनाएं। तो पहले तो ये चीज़ आपने एनसीईआरटी लेवल सब लोग कर रहे होंगे, आप ये वाली बुक्स करके उनसे थोड़ा सा ऊपर चले जाएंगे, फिर उसके बाद आप और ऊपर आ जाएंगे जब आप एनडीए के लिए जो किताबें मैंने बताई हैं वो करेंगे। तो दोबारा से बताना चाहूँगा, मैथ्स के लिए पाथफाइंडर रहेगी और जनरल नॉलेज, इंग्लिश और जीएस यानी जनरल साइंस के लिए आप लोगों के पास रहेगी दिशा की पब्लिकेशन की बुक्स, ठीक है जी। सो इनके अलावा कोई और बुक की कलेक्शन ना बनाएं, फालतू में टाइम वेस्ट ना करें अपना। मैं मिलता हूं आप सभी लोगों से नेक्स्ट काम की वीडियो में, लेकिन उससे पहले एक और ज़रूरी बात, वो ज़रूरी बात है कि एनडीए के लिए सपने तो पिरो लिए, लेकिन तैयारी कहां से शुरू करोगे। 21 तारीख से बैच शुरू हो रहा है, विक्रांत बैच, जिसमें एनडीए के लिए पढ़ाया जाएगा आपको। उसमें अगर आप एनरोल होना चाहते हैं, आप आना चाहते हैं उसमें, तो आप डेफिनेटली डिस्क्रिप्शन में फॉर्म दे रखा है, पहले ही लाइन जो होगी उसी में एक फॉर्म दे रखा होगा, वहीं पर उस फॉर्म पर क्लिक करें और उस फॉर्म को फिल करें अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग। हम लोग आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस तीनों स्ट्रीम्स पढ़ा रहे हैं, जिसमें लाइव क्लासेस होंगे आपके एनडीए के लिए, डीपीपीज भी दिए जाएंगे आपको और डाउट सेशंस भी लिए जाएंगे, और डाउट इंजन भी है आप लोगों के लिए, तो उसकी आप टेंशन ना लें। इसके बाद प्राइस जो रहेगा पूरे साल का, बच्चों बता रहा हूँ, 3-4 हज़ार है, आप किसी भी कोर्स में चले जाएँ, 3-4 हज़ार रुपये में लाइव क्लासेस भी मिल रही है, सब कुछ मिल रहा है आप लोगों को। 21 तारीख से बैच शुरू हो रहे हैं, आप लोग बिल्कुल भी देर ना करें, जल्दी से एनरोल करें,
फॉर्म को फिल जरूर कर लीजिएगा बच्चों, ताकि हमारी टीम आपको कॉल कर सके। मैं मिलता हूँ आप सभी लोगों से नेक्स्ट काम की वीडियो में, नेक्स्ट ऐसी वीडियो में जो आपके भविष्य को बना रही होगी। मिलता हूँ बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ध्यान रखें।